यार कुर्ते के साथ पैंट पहनूं या पजामी पहनूं, जुत्ती पहनूं या कोल्हापुरी पहनूं। कभी कभी तो यार मुझे यूपीएससी के सवालों से भी कठिन लगता है यार। इजी करते हैं इसको। हमने कुर्ते को डिवाइड करा है तीन चीजों में। सबसे पहला क्या है, हमारा शॉर्ट कुर्ता, फिर आता है हमारा नी लेंथ से अबव कुर्ता, और फिर नी लेंथ से नीचे वाला कुर्ता। कंफ्यूजन आती है कुर्ते के साथ बॉटम वेयर क्या पहने। जब शॉर्ट है तो आपको ट्राउजर या चीनू लेने हैं, जब आपका नी लेंथ से हल्का सा ऊपर है तो आपको खुला आपका धोती पैंट हो गया या खुला पजामा हो गया वो, या ट्राउजर पहन सकते हैं। उसमें पजामी आपको अवॉइड करनी है। अगर आपकी छोटी हाइट है तो बिल्कुल शॉर्ट या नी लेंथ से अबव वाला कुर्ता पहने, फुल ना पहने। जब फुल कुर्ते की बात आती है तो साथ में सिर्फ पजामी। कुर्ते के साथ फॉर्मल शूज या लोफर्स बहुत क्लासी लगते हैं, लेकिन जब भी आप नीचे बॉटम के अंदर पैंट्स या चीनू पहनेंगे तभी उसको पहने। आप पजामी के साथ अपना फॉर्मल शूज या लोफर्स ना पहने। हाँ, जब बात आती है सैंडल या कोल्हापुरी चप्पल की, वो हर चीज के साथ चला जाता है, चाहे वो आपके चीनोज हो चाहे वो आपकी पजामी हो। जो कुर्ते आपको अवॉइड करने हैं वो है किंडर गार्डन वाले कुर्ते, जो 6 साइज बड़े जिसमें आप और आपका बांजा खेल पाए, उतने बड़े कुर्ते, और के आंखों को अंधा कर देने वाले चमकीले कुर्ते, और ये ओवर एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते। जो सही कुर्ते हैं वो चिकनकारी वर्क वाला कुर्ता, एसिमेट्रिकल कुर्ता, और ये कुर्ते।